Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use do. Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये do का क्या use है. जैसा कि आप जानते हैं friends, आपने do, does, did का use present indefinite tense और past indefinite tense में देखा. और यह बात मैंने आपको part 19 में सिखाया. लेकिन जब बात do के advanced use का होता है तो अक्सर student confused रहते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर ये डू का क्या सेंस है. जैसे अक्सर आप इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे, डू कम, डू टेक टी, डू हेल्प देम, डू यूज मोबाइल, डू ब्रिंग गिफ्ट. तो अब सवाल ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस में डू का क्या यूज है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डू का एडवांस यूज सीखते हैं. फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको डू का यूज बताऊं, आपको ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे तभी आप डू का यूज सही तरीके से सीख पाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमें फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जब अवश्य या जरूर की अंग्रेजी लिखनी हो तो हम कुछ इस तरीके से उसकी अंग्रेजी लिखते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल का यूज होता है. बट जब फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जरूर या अवश्य लिखा हो तो हम वर्ड अवश्य या जरूर के लिए कोई अलग से इंग्लिश यूज नहीं करते, बल्कि आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं. लेकिन जब बात अवश्य या जरूर की हो तो हम आई वी के साथ विल का यूज करते हैं, और नॉर्मल केस में आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं. बट जब हमारे सेंटेंसेस में अवश्य या जरूर लिखा हो तो हम बाकी सबके साथ विल की जगह पर शैल का यूज करते हैं. तो ये तो रहा फ्यूचर की बातें कि जब फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जरूर या अवश्य लिखा हो तो आप उसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे. जैसे अगर आपको कहना हो मैं जरूर तैयार रहूंगा या मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तो आप कहेंगे आई विल बी रेडी, आप जरूर घाटे में रहेंगे, यू शैल बी इन लॉस, आप जरूर मुसीबत में रहेंगे, यू शैल बी इन प्रॉब्लम, वे लोग जरूर खुश रहेंगे, दे शैल बी हैप्पी. तो यहाँ आपने सीखा फ्रेंड्स के फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जब जरूर या अवश्य लिखा हो तो हम शैल की जगह पर विल का यूज करते हैं और विल की जगह पर शैल का यूज करते हैं. उसी तरीके से फ्रेंड्स, प्रेजेंट और पास्ट वाले सेंटेंसेस में जब हमें जरूर कहना होता है या अवश्य कहना होता है तो हम श्योरली या सर्टेनली का यूज करते हैं. जैसे वह जरूर एक डॉक्टर है तो हम कहेंगे ही इज श्योरली अ डॉक्टर. हम ये भी कह सकते हैं ही इज सर्टेनली अ डॉक्टर. वह जरूर एक जासूस थी तो आप कह सकते हैं सी वॉज सर्टेनली अ स्पाई. आप ये भी कह सकते हैं सी वॉज श्योरली अ स्पाई. तो फ्रेंड्स, यहां आपने सीखा कि फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जरूर या अवश्य के लिए हम शैल की जगह पर विल और विल की जगह पर शैल का यूज करते हैं, और प्रेजेंट या पास्ट टेंस में जरूर या अवश्य के लिए हम श्योरली या सर्टेनली का यूज करते हैं. बट जब बात इंपेरेटिव सेंटेंसेस की हो, जैसे आओ, जाओ, खाओ, पियो, पढ़ो, देखो, नाचो, खेलो, और इस तरह के सेंटेंसेस में हमें अवश्य या जरूर बोलना हो, तो फिर सवाल ये होता है कि हम कैसे बोलें. जैसे अगर कहना हो आना तो आप कहेंगे कम, लेकिन अगर कहना हो जरूर आना या अवश्य आना तो फिर आप कैसे बोलेंगे ताकि यह पता चले कि आप कह रहे हैं कि जरूर आना या अवश्य आना. तो फ्रेंड्स, इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस में जब हमें कहना हो जरूर या अवश्य तो हम वर्ब के पहले डू का यूज करते हैं. जैसे जरूर आना, डू कम, चाय जरूर पीना, डू टेक टी, होमवर्क पूरा जरूर करना, डू कंप्लीट होमवर्क. फ्रेंड्स, अगर ये मैं डू रिमूव कर दूं तो कंप्लीट होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क पूरा कर लेना. बट अगर हमको कहना हो कि होमवर्क पूरा जरूर करना या होमवर्क पूरा अवश्य करना, तो फिर वर्ड जरूर या अवश्य के लिए हम शुरुआत में डू लिखेंगे. यहाँ डू के यूज से आपके सेंटेंसेस में जोर दिया जा रहा है कि ऐसा जरूर करना, ऐसा अवश्य करना. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब आपको कहना हो अवश्य या जरूर तो आप
वॉक के पहले डू का यूज करते हैं। मोबाइल जरूर खरीदना, डू बाय अ मोबाइल। वक्त पर दवा जरूर लेना, डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि पानी पी लो या पानी पी लेना, तो यहां पर आप इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, यानी जोर नहीं दे रहे हैं, या आपके सेंटेंसेस में जरूर, अवश्य, ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे ड्रिंक वाटर। बट अगर आप जोर दें, जैसा कि आप कहें पानी जरूर पीना, पानी अवश्य पीना, तो आप कहेंगे डू ड्रिंक वाटर। मुझसे ऑफिस में जरूर मिलना, डू मीट मी इन ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जब आपके सेंटेंसेस में हो अवश्य या जरूर, तो नॉर्मल केस में आईवी के साथ शेयर लिखा जाता, बट जब अवश्य या जरूर लिखा हो तो हम आईवी के साथ शैल नहीं बल्कि विल का यूज करते हैं। और जहां नॉर्मल केस में हम विल का यूज करते हैं, अवश्य आने के बाद वहां शैल का यूज किया जाता है। उसी तरीके से प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस में जब हमें अवश्य या जरूर कहना होता है, तो हम श्योरली या सर्टेनली का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, डू का एक और खास यूज देखें। फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं खाता हूं, हम पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, वह लिखती है, वे लोग नाचते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपको आते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको पार्ट 6 में सिखाया। यहाँ एक खास बात मुझे आपको बतानी है, और वो ये है कि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं खाता तो हूं, हम पढ़ते तो हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आता है तो है, और यहाँ वर्ड तो से काम पर जोर दिया जा रहा है कि यही काम तो होता है, यही काम तो चलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद डू का यूज करते हैं। कई बार डू के जगह पर डज भी लिखा जाता है जब हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी कोई तीसरा हो और अकेला हो। बट यह आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डू का यूज आप करें क्यों। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि जब आपके सेंटेंसेस पर जोर देकर बोलना हो तो आप डू का यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, और आप वही काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं होमवर्क करता तो हूं, यानी मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, मैं यही काम तो करता हूं। आप यहां इस काम पर फोकस कर रहे हैं कि यही काम तो करता हूं, तो यहां आप सब्जेक्ट के बाद डू का यूज करेंगे। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर लिखा हो हम पढ़ते तो हैं, यानी हम यही काम तो करते हैं, तो यह आप काम पर इम्फेसाइज कर रहे हैं, काम पर जोर दे रहे हैं, यही काम तो करते हैं, तो यहां आप सब्जेक्ट के बाद डू का यूज करेंगे। अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स वह लिखती तो है, यानी वह यही काम तो कर रही है, तो आप कहेंगे सी डज राइट। आप डज का यूज करेंगे क्योंकि मैंने पार्ट 6 में आपको बताया कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो आप डू के जगह पर डज का यूज करेंगे। उम्मीद है आप उस वीडियो को देखे हैं और आपको ये बात पता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आता है तो है, जैसे वह खेलता तो है, वह पढ़ता तो है, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं पैसे कमाता तो हूँ, मैं गरीबों की मदद करता तो हूँ, आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं, जैसे वह पढ़ा तो था, वह आया तो था, वह लिखा तो था, वह नाची तो थी, वह देखी तो थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के पास्ट वाले सेंटेंसेस में हम तो के लिए डिड का यूज करते हैं, जैसे वह आई तो थी, सी डिड कम, वह दवा लेती तो थी, सी डिड टेक मेडिसिन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि डू का यूज आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।